अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ फ्रीहा फ्रॉम पंजाब टू न्यागरा चैनल। और आज की एक और नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम लोगों ने सर्दियों के कपड़े रखने हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न जा रहा है और गर्मियां आ रही हैं, तो कपड़े रखने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो आज का मामा और बाबा ने लगाई मशीन, तो वो कपड़े धोए हैं और अभी कपड़े रखने वाले हैं। और उसके बाद रात भी होने वाली है, रात का खाना बनाना है और आज रखते हैं हम लोग लेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं अपनी रूटीन, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए क्योंकि जब गर्मियों के कपड़े निकालते हो बहुत ज़्यादा बिखेड़ा पड़ जाता है और वो आज समेटना है। और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं और उसके बाद रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो फाइंडली से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर हमें फॉलो करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हटते अपनी वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं अपने काम काज। आज हमने सुबह उठ कर 4:15 बजे वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े काफ़ी थे धोने के बाद, ये अभी धो रहे हैं और निकाल रहे हैं, निचोड़ के निकाल रहे हैं। और व्यूअर्स, मशीन को दोबारा से चला दिया है और अब इसमें बाबा और कपड़े डाल रहे हैं धोने वाले। कपड़े धो गए जाएंगे तो जब कपड़े धो जाएंगे तो फिर उनको स्टीमर करेंगे, स्टीम करके ऊपर छाते गए तो डाल के आएंगे। फिर जब हम डालने जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये कपड़े अब धो लिए हैं, अब स्पिनर करने के लिए मशीन में डाले जा रहे हैं, ये कपड़े डाले जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त गर्मियों के कपड़े निकाले जा रहे हैं और ये तय करके मम्मा साथ साथ रखी जा रही है। सर्दियों के कपड़े धो के रख दिए हम लोगों ने। देखो मामा क्या कर रही है, कितने अच्छे तरीके से मामा कपड़े बना रहे हैं, तो है तय लगाए जा रहे हैं। देखो कैसा, अरे अब्बू देख देख के खुश हो जा रहे। मामा उधर रख रही है तय लगा के। और व्यूअर्स, इसके बाद रात का खाना बनाना है क्योंकि रात का खाना खाने का भी टाइम हो गया है। व्यूअर्स, से रात के लिए हंडिया बनाने की तैयारी हो रही है। लहसुन अदरक जो है उसको कूटा जा रहा है, ये बहुत मनपसंद है। ये पत्थर का बना हुआ है और ये कहीं हिलता जुलता भी नहीं है। व्यूअर्स, आज हम पकाने वाले हैं आलू और गोश्त। आज हम ये पकाने वाले हैं। ये टमाटर मामा ने काट के रखे हुए हैं, ये साथ में लीमू भी डालना है, लीमू भी डालना है, मिर्चें भी डालनी है। और ये है यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट बन रहा है। मिर्चें मामा ने 3 काटी हैं बड़ी साइज की, और ये देखें। और अभी प्याज के ब्राउन होने का वेट हो रहा है, बस जल्दी से हो जाए, भूख भी लग गई है। और रात के मम्मा टाइम बताना क्या हुआ है,
साढ़े सात होने वाले, रात का खाना बस तैयार होने वाला है हमारा, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। व्यूअर्स, अभी अभी मामा ने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और अब इसके ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। हमारे आज बारिश हो रही है तो कुकिंग हम लोग इधर अंदर ही कर रहे हैं। अदरक लहसुन ब्राउन हो गया है, अब इसमें टमाटर डाल, थोड़ा हल्का ब्राउन ही किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और ये मिर्च, अब सारी चीज़ें भून लेंगे तो फिर इसके बाद नमक मिर्च डाल देंगे। आज हमारी फेवरेट बन रही है। व्यूअर्स, अब हम इसमें लीमू डालने लगे हैं, आप लोग चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट हम लोगों ने इस तरह का ही मतलब सालन हमें पसंद है, ज़्यादा खट्टा खट्टा नहीं पसंद है ना मामा? बाबा को नहीं पसंद तो फिर हम लोग भी नहीं खाते हैं। व्यूअर्स, इसमें हम लोग दो चम्मच सूखी मिर्च पाउडर डालेंगे। दो चम्मच नमक के अंदर डालना, डाल दिया बस, मामा के अभी समय डाल ये होता है ना, ये 2 टेबल स्पून आ जाएंगे, हमारा तो चम्मच भरा है ना इसलिए। और अब हम डालने वाले हैं हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे। व्यूअर्स, मसाले को थोड़ी देर भून लेने के बाद अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद इसमें आलू शामिल करेंगे। व्यूअर्स, चिकन को 5 से 6 मिनट भून लेने के बाद इसमें आलू डाल दिए और आलू को तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे शोरबे के लिए। तो व्यूअर्स, अब इसमें गरम मसाला ऐड किया जा रहा है और ये देखिए भाई, मामा अभी रोटियां बना रही हैं। आज हम लेट हो गए, आज हम थोड़ा लेट हो गए। इसके बाद रात का खाना खाना है। तो यार, इसी रात का खाना खाया जा रहा है, चलें हम सारे बताएंगे कैसा बना है।